कोरोना वायरस ने ली बॉलीवुड के एक और कलाकार की जान। कौन है ये कलाकार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, कोरोना वायरस की बात करें तो काफ़ी कलाकार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं पिछले एक साल में, और काफ़ी कलाकारों ने हमें अलविदा भी कहा है इस कोरोना वायरस की वजह से। बॉलीवुड के एक मशहूर आर्ट डायरेक्टर हमें अलविदा कह के जा चुके हैं, जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा आइकॉनिक फिल्म में अपनी आर्ट डायरेक्शन का काम दिखाया है। अगर हम बात करें इस कलाकार के नाम की, तो उनका नाम है मारुति राव काले, जो मुंबई में रहते हैं। अगर हम इनके काम की बात करें तो मनोज कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक इन्होंने सभी कलाकारों के साथ काम किया है, और ये मुगले आजम फिल्म में कारपेंटर का काम करते थे, लेकिन फिर इनको लंदन फिल्म प्रोडक्शंस में काम मिल गया और एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर ये काम करने लगी। लेकिन फिर काम सीखने के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना आर्ट डायरेक्शन का काम शुरू कर लिया, और काफी ज्यादा मूवीज में इन्होंने आर्ट डायरेक्शन दी है। अगर हम इनकी मूवीज की बात करें तो पाकिजा, पूरब और पश्चिम, दीवार, डिस्को डांसर और कभी कभी जैसी मूवीज में इन्होंने अपनी आर्ट डायरेक्शन का काम दिखाया है। और अब खबर सामने ये आई है कि ये दिग्गज कलाकार हम सबको अलविदा कह के जा चुका है। इस बात की कंफर्मेशन खुद मारुति राव काले के परिवार वालों ने की है, और उनका कहना यह है कि मई के महीने ही ये कोरोना वायरस के साथ संक्रमित पाए गए थे, और इसी वजह से इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। लेकिन अब खबर सामने ये आई है कि ये कलाकार हम सबको अलविदा कह के जा चुका है। बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव चल रही है, और मुंबई, जिसको फिल्म सिटी भी कहा जाता है, उसमें तो ऐलान किया गया है कि लॉकडाउन अभी एक्सटेंड होगा और मूवीज की शूटिंग को भी रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बॉलीवुड के कलाकार इस साल कोरोना वायरस के साथ संक्रमित पाए गए हैं। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब घर में ही रहें, जरूरी काम हो फिर ही घर से बाहर निकलें। और अगर हम बात करें मारुति राव काले की, तो गूगल बॉलीवुड की पूरी टीम दुआ करती है कि इस दिग्गज कलाकार की आत्मा को शांति मिले।